हेलो फ्रेंड, टेक्निकल अंकुर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक पावरफुल बैटरी जो 3 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में। दोस्तों, यहाँ मैंने एक लैपटॉप की ओल्ड बैटरी यूज़ की है। दोस्तों, आपको मार्केट में किसी भी लैपटॉप रिपेयरिंग वाले की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। सातों में हमें इसी प्रकार लगा लेने हैं।
जो हमारे बैटरी कनेक्शन होंगे वो इन्हीं स्क्रू पर किए जाएंगे। इसके बाद हमें कोनों पे दो होल और कर देने हैं, जिससे हमें बोर्ड के साथ इसको जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों बैटरी कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों कनेक्शन हमें सीरीज में करने हैं, पहले हमें एक ब्लैक वायर लगानी है पहले पॉइंट पे, फिर हमें प्लस माइनस करके सभी बैटरी को एक साथ कनेक्ट कर देने हैं हर पॉइंट के साथ। एंड वाले पे हमारा रेड पॉइंट रहेगा। दोस्तों ध्यान है बैटरी हमारी जो है वो सीरीज में कनेक्ट होनी है। ये देखिए दोस्तों हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, चलिए इसको बंद कर देते हैं। ये हमने पहले ब्लैक वायर लगाई है, फिर प्लस माइनस करके हमने सभी वायर को कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद में हमारे एंड पे जो है वो हमारा रेड पॉइंट है। अब हम इसको बॉक्स के हमारी बैटरी बनकर तैयार है, चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने मल्टीमीटर का यूज़ किया है। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा ग्राउंड है जिस पे हम ब्लैक वायर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे लगभग 3 वोल्ट सप्लाई आ रही है, दूसरे पे 6 वोल्ट तक की सप्लाई आ रही है, तीसरे पे 8.80 तक की आ रही है दोस्तों, और फोर्थ पे 11.76 तक की, लगभग 12 वोल्ट तक की कंप्लीट ऐसे। अब दोस्तों हम इस पे एक मोटर का यूज़ करेंगे टेस्ट करने के लिए। हमारा 12 वोल्ट का मोटर है, हम आपको इसको 12 वोल्ट तक चला कर दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। आप इस बैटरी की मदद से किसी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं जो आपका 3 वोल्ट सप्लाई या 9 वोल्ट या 6 वोल्ट पर काम करता हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।